वेलकम टू माय चैनल खान्स खजाना विद फन। तो आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई, वो भी मेरे स्टाइल में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई। चिकन फ्राई बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 2 kg चिकन। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है एंड इसमें डीप कट्स लगा दिए हैं। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन, 2 टेबल स्पून मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 2 अंडे लिए हैं मैंने, 1 कप मेरा दही है, आधा कप मैंने मैदा ली है, 1 टेबल स्पून मेरा कसूरी मेथी है, ये मेरी कुटी मिर्च है, 2 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, 1/2 स्पून मेरा हल्दी पाउडर है, 1/2 स्पून मेरा गरम मसाला पाउडर है, ये मेरा रेडीमेड मसाला है फ्राई मसाला, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और मैंने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको अच्छे से डालेंगे। देन हम लेंगे दही, दही को हम डालेंगे अच्छे से। फिर हम ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, कसूरी मेथी ऐड करेंगे, देन मैदा ऐड करेंगे इसमें हम, एग ऐड करेंगे। मैं एग ऐड कर रही हूँ इसमें। जो लोग एग नहीं खाते हैं वो इसे इस स्टेप पे स्किप कर सकते हैं। मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये मैरिनेट के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको 1 आवर के लिए रेस्ट पे रखेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं। मेरे पास कम टाइम है इसलिए मैं 1 आवर के लिए रखूंगी एंड इसके बाद उसे फ्राई करूंगी। 1 घंटा हो चुका है चिकन को, अब हम इसे फ्राई करेंगे। दूसरी साइड हमने तेल गरम करने रखा है फ्राई करने के लिए। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, हम इसमें चिकन के पीस डालेंगे। तेल हमेशा गरम होना चाहिए, अगर ठंडे तेल में डालेंगे तो चिकन की सारी लेयर हट जाएगी। फ्लेम हाई रखेंगे, फ्लेम अपनी हाई रखेंगे, फ्लेम लो नहीं रखनी है। एक बार में जितने पीस एडजस्ट हो जाएंगे हम उतना फ्राई करेंगे। 2 मिनट तक इसे ऐसे पकने देंगे, फिर टच नहीं करना है। 2 मिनट के बाद हम इसे ऐसे पलटेंगे और चेक करेंगे हमारा बन गया। अब इसका कलर चेंज हो गया है, मुझे इसे 80% कुक करना है। मैं इसको दोबारा फ्राई करूँगी, मैं भी इसी स्टेप पे से निकाल लूँगी क्योंकि मेरी कोटिंग अच्छे से है। देखिए इसका कलर कितने अच्छे से आया है और मेरी कोटिंग कहीं से भी नहीं हटी है। अगर मैं ठंडे ऑयल में डालती तो सारी इसकी कोटिंग हट जाती। स्टार्ट। इसी तरह हम सारा अपना चिकन फ्राई कर लेंगे। मैं अपना सारा चिकन ऐसे ही फ्राई कर लूंगी, देन हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे। मेरा सारा चिकन फ्राई हो चुका है, अब मैं फाइनल फ्राई करूँगी। पीस को हल्का सा हाथों की हेल्प से ऐसे करके प्रेस करना है और ऑयल में डालना है। ऑयल का फ्लेम बिल्कुल लो रहना चाहिए, तेल ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें। मेरा फ्लेम इस टाइम बिल्कुल लो है ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। हो
लो फ्लेम पे ये 2 मिनट तक अच्छे से पक गया है। इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट चेंज हो चुका है। देखिए मेरा चिकन अच्छे से अंदर तक फ्राई हो चुका है। ये अब हम इसे निकाल लेंगे एंड डिश आउट करेंगे। फाइनली मेरा चिकन रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड खूब सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।